नमस्कार दोस्तों, आरसीएम जॉब न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की है। आप सभी को मालूम होगा कि लाखों अभ्यर्थी भर्ती परीक्षा परिणाम के इंतजार में बैठे हुए हैं और इस चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर सही और सटीक जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा एक और भर्ती परीक्षा परिणाम जारी करने की तैयारी है, लेकिन परिणाम कब आएगा इसके संबंध में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के एक उच्च अधिकारी ने बताया कि कुछ तकनीकी कारणों से शैक्षिक दस्तावेजों का सत्यापन रुका है। मैं बात कर रहा हूँ युवा कल्याण अधिकारी भर्ती परीक्षा के फाइनल परिणाम के संबंध में। इसी के संबंध में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है, उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन में ढील के बाद सभी स्टाफ दफ्तर आने लगेंगे। उनका कहने का तात्पर्य था कि 8 जून के बाद, इसलिए संभावना है कि जल्द चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षिक दस्तावेजों के सत्यापन का काम पूरा करके फाइनल परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। तो जिस आधार पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है वह आधार है लॉकडाउन। और मैं आपको बता दूँ कि 8 जून के बाद 100% कर्मचारी आयोग में कार्यरत हो जाएंगे। फिलहाल अभी नहीं आ रहे हैं, अगर कोई हवा में तीर मार रहा हो तो अलग बात है। और 8 जून के बाद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में काम की गति बढ़ेगी। और मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का विचार है कि 15 जून के पहले एक भर्ती परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाए। संभावना ज़्यादा है कि 2016 और लोअर पी से 2019 का परिणाम जारी हो। 2016 में सहायक अनुदेशक भर्ती परीक्षा है और लोअर टू है और लोअर पी से 2019 है और केंद्र सुपरवाइजर का भी काम पूरा हो चुका है, फाइनल परिणाम उसका भी जारी हो सकता है। लेकिन फाइनल परिणाम के बारे में जिक्र नहीं करेंगे, प्रारंभिक परिणाम के बारे में जिक्र करेंगे। तो प्रारंभिक परिणाम सबसे पहले घोषित किए जाने के विचार में है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग।